नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, पर्यावरण की समस्याओं ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण ना ही केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस पर चिंतन करने के लिए मजबूर हो गया है और हमारा पूरा बुद्धिजीवी वर्ग इसके ऊपर चिंतन कर रहा है और अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पंचनद शोध संस्थान भी पर्यावरण के कार्यक्रम एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसके विषय में डॉक्टर बीके कुठियाला जी, जो कि पंचनद शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं, वो इस विषय में हमारे बीच कुछ बताएंगे। पंचनद शोध संस्थान उत्तर भारत में बौद्धिक वर्ग में विमर्श करवाने का एक बड़ा मंच है। पिछले 35 वर्षों से ये कार्य समय समय पर और स्थान स्थान पर होता है और समाज के बुद्धिधर्मी व्यक्ति आपस में बैठकर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में बातचीत करते हैं। हर वर्ष चंडीगढ़ में एक व्याख्यान माला का आयोजन होता है। आज तक 28 व्याख्यान मालाएं हो चुकी हैं। 29वीं व्याख्यान माला 21-22 सितंबर 2019 को पंजाब यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग के सहयोग के साथ आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनको उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाना जाता था, माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी विषय रखने वाले हैं और विषय रहेगा वैश्विक पर्यावरण, जल समस्याएं और समाधान। ये व्याख्यानमाला 2 दिन चलेगी। 21 तारीख को सायं 5:30 बजे एक व्याख्यान होगा, 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे प्रश्नोत्तर रहेंगे और उसके बाद एक फाइनल जो व्याख्यान मुरली मनोहर जोशी जी का फिर से रहने वाला है। इस व्याख्यानमाला को हम सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया पर भी प्रसारित करेंगे, परंतु इसके साथ साथ इसका एक पब्लिकेशन भी होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विभाग के साथ कार्य इस व्याख्यानमाला को आयोजित करने का उद्देश्य ये भी है कि युवा वर्ग जो आज विद्यार्थी है या रिसर्च स्कॉलर है, उसको भी इस विषय में उसकी जागरूकता हो, उसको विषयों का पता लगे और आगे आने वाले समय में जो विषय उठते हैं, जिन विषयों पर समस्याओं पर शोध होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, उन विषयों को वो अपने जीवन में लें। आप सब इसके लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद कुठियाला सर। अब हमारे बीच प्रोफेसर सुमन मोर, एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। मुझे बहुत खुशी है कि पंचनद शोध संस्थान ने पर्यावरण विज्ञान विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी को आमंत्रित किया है अपने साथ सहयोग करने के लिए वार्षिक एनुअल लेक्चर के लिए। साथ ही बहुत खुशी का विषय है कि इस बार उन्होंने पर्यावरण विषय को चुना है, जिसमें पर्यावरण एवं जल संबंधित समस्याओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी तथा उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाएगा। यह हमारे छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, जिसमें उन्हें एक मौका मिलेगा जो पर्यावरण की विभिन्न चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हम सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें इनवाइट करते हैं कि वो इसमें शामिल होकर पूरी तरीके से चर्चा में भाग लें और साथ ही साथ हमारे मनोबल को बढ़ाएं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इसके लिए मैं पंचनद शोध संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर। अब मेरा सभी पर्यावरण प्रेमियों से निवेदन है कि 21 तारीख और 22 तारीख को पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ ऑडिटोरियम में आए, अपना सहयोग दें और पर्यावरण की समस्याएं जो बढ़ रही हैं, उनका हम उनके ऊपर कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उसके लिए जरूर जरूर पहुंचे। धन्यवाद।